तो गाइस आप देख सकते हैं, ये है बेसिक्स मॉडल का रेड कलर, और भी इसका दो कलर है, एक है डार्क कलर और एक है मैट ब्लू में, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो इस वीडियो में। तो आप इसमें देख रहे हैं कुछ इस तरह से लग रहा है, और ये जमशेदपुर का बिष्टुपुर में शोरूम में ये बाइक अभी है अवेलेबल। तो आपको अगर आपको लेना है ये बेसिक्स मॉडल 2020 का, तो ये आपको बिष्टुपुर का शोरूम में ये बाइक आपको मिल जाएगा। तो चलो कुछ इस बाइक के बारे क्या क्या फीचर इसमें आया और क्या क्या नया इसमें चेंजिंग हुआ, आज हम लोग इसी के बारे में। ये यामाहा ने वापस से इसको लॉन्च किया है वर्जन 3, FZS वर्जन 3, जिसमें आपको कुछ एडिशनल फीचर्स पहले के कंपैरिजन में देखने मिलेंगे, जिसमें FI सेंसर्स को पहले से काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया गया है, और एक इसके एग्जॉस्ट नोट को पहले से ज़्यादा हाई टोन पे किया गया है, और इस पर एक आपको ये जो देखने को आपको मिल रहा है न्यूली, ये आपका टेम्परेचर सेंसर एक इस पर ऐड किया गया है, जो कि BS4 में आपको बिल्कुल ही नहीं देखने को मिलेगी, ये इस जगह पे आपको नहीं देखने को मिलती है ये चीज़, ये अभी आपके BS6 में इस मॉडल में आपको देखने को मिल रही है। इसमें आपको पावर और जो इसके BHP है उस चीज़ को 0.6 के अराउंड थोड़ा बहुत माइनस प्लस किया गया है, उसमें आपको डुअल चैनल नहीं, आपको 150 सेक्शन में सिर्फ सिंगल चैनल ABS प्रोवाइड की जाती है। अगर आपने डुअल चैनल ABS चाहिए होती है तो आपको FZS के 250 वेरिएशन को लेना पड़ेगा, जिसमें आपको फ्रंट टू बैक डुअल चैनल ABS का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर कलर PS6 में आपको कलर वेरिएशन मिलती है, फिलहाल तो कंपनी ने बाकी जो प्रीवियस 3 कलर थे वो सारे कलर इस पर आ जाते हैं, जैसे अर्माडा ब्लू है, मैट ब्लैक एडिशन एक आ जाती है, और एक आपको सियान एंड ग्रे कलर का ऑप्शन आ जाता है। अभी कंपनी ने रिसेंटली जो इस पे BS6 मॉडल पे दो एडिशन कलर ऐड किए हैं, वो आपको एक मेटालिक रेड है जो कि देखने में काफ़ी अग्रेसिव लुक देता है आपको, एक प्रीमियम टच 150 सेक्शन पे, और इसके साथ ही आपको एक और कलर दी जाती है जिसका कॉस्ट उसमें 1500 और ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है एक शोरूम बेसिस पे, क्योंकि पहले आपको FZS वर्जन 3 का जो एक शोरूम पड़ता था वो आपको 98,000 के अराउंड में आती थी, और अभी ये 1,02,000 हो गया है। इसका 6 गियर है ना? नहीं, इसमें 5 गियर का ही ऑप्शन दिया हुआ है आपको। 5 गियर है, और उसमें R1 में 6 है ना? R15 में आपको 6 गियर का ऑप्शन दी देती है। आपको इसमें टायर बैक साइड के जो टायर सेक्शन है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया गया है, पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा रेडियल कर दिया गया है इस पर, ताकि आपका जो ग्रिप है वो रोड पे और ज़्यादा आपको बेटर मिले। इसका कितना लीटर पे? इसमें आपको फ्यूल टैंक लीटर जो मिलेगी वो आपको 12.8 लीटर के अराउंड मिलेगी। माइलेज आपको इस पर भी 13% का इंक्रीमेंट हुआ है, और जिस तरीके से मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि अभी सिर्फ कंपनी ने इस पर BS6 मॉडल ही अप्लाई किया हुआ है, अभी इसका पेट्रोल आने के बाद में इस ये 13% और ज़्यादा आपको माइलेज प्रोवाइड करेगी। इसका ऑन रोड कितना? इसका ऑन रोड प्राइस आपको पड़ेगी 1,21,000 1,21,000 के अराउंड में इसका ऑन रोड प्राइस आ जाएगा आपको। ठीक है।